दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल न्यू जानकारी में। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी सरकार सभी को दे रही है, बिजली कनेक्शन। इसके लिए आवेदन कैसे करें अपने मोबाइल से। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि सरकार सभी लोगों को फ्री में बिजली कनेक्शन दे रही है और इसके लिए आप अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी कि आवेदन के लिए आपको बिजली के दफ्तर जाना पड़ता था, वहाँ पर आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन काम कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्री बिजली कनेक्शन के लिए। देश के प्यारे देशवासियों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी, अब आप घर बैठे नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको बिजली कनेक्शन लेने के लिए दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। इसी वजह से सरकार ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा से आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर बैठे ही ऑनलाइन नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, आप कौन से स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस योजना के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के लोगों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनको नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब ऑनलाइन सुविधा होने से वो घर बैठे ही नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं और नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें लोगों की समय की बचत होगी और कालाबाजारी भी कम होगी। यह फैसला यूपी के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी है। यूपी नया बिजली कनेक्शन, इस योजना से प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कंपनी ने नई सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले लोगों को कनेक्शन लेने के लिए बिजली घर जाना पड़ता था। नई सुविधा शुरू होने के बाद जो घर बैठे ऑनलाइन कनेक्शन ले सकते हैं। आज के समय में हर कोई इंटरनेट का उपयोग करता है, इसीलिए नया बिजली कनेक्शन लेने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। बिजली निगम लोगों को प्रीपेड कनेक्शन भी दे रहा है। एक कनेक्शन खोखो और रेवड़ी पटरी पर लगने वाली दुकानों को भी दिया जाएगा। इसमें मीटर जितना चार्ज कराओगे उतना ही आप बिजली खर्च कर सकते हैं। बिजली निगम दुकानों में भी प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं। ये उन दुकानदारों के लिए फायदेमंद है जो कि किराए पर दुकान लेकर अपनी बिजनेस कर रहे हैं। नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, आपको क्या क्या चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए राशन कार्ड की एक कॉपी भी देनी होगी। आवेदन करने के लिए उसे अपना स्थायी प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन करने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र भी देना होगा। नया बिजली कनेक्शन लेने का लाभ, अब आप घर बैठे ही नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कालाबाजारी भी कम होगी, समय की बचत होगी, सारा काम ऑनलाइन आसानी से कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आप बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाना है, वहां पर आपको बोलना है कि हमको नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना है। इसमें आपको आधार कार्ड देना होगा और एक राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी और आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है और आपके पास पहचान पत्र फोटो लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, जब आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको वहां पर बोलना है कि हमको नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन करके और ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद में जो आपके संबंधित जेई हैं वो उनके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद में आपके घर पर एक टीम आएगी, वो इंक्वायरी करेगी, जाँच करेगी कि आप इसके पात्र हैं या नहीं। आप इसके पात्र होंगे तो आपका फ्री में बिजली कनेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह आप बिजली कनेक्शन आप घर बैठे ही करा सकते हैं किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं
और इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह नई से नई जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।